फर्जी वेबसाइट बनाकर रुपए को डॉलर में परिवर्तित करने के नाम पर ठगी करने वाले 5 लोग गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर द्वारा दिए गए निर्देश एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर और अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में सर्विलांस टीम व थाना कोतावली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी ऐप एवं वेबसाइट बनाकर विभिन्न प्रकार का लालच देकर ग्राहकों से रुपए को डॉलर में परिवर्तित करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 5 अभियुक्तों को ठगी में प्रयुक्त उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है। सदर कोतावली में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि 5 मार्च को थाना कोतावली पर यशोदा नंदन उपाध्याय निवासी द्वारकापुरी आगरा रोड जनपद एटा द्वारा सूचना दी गई कि मेरे व्यापारिक साझेदार मोहम्मद सामीन को 1 मार्च को कुलजीत सिंह एवं सौरभ शुक्ला द्वारा पक्का तालाब चौराहे पर मिलने के लिए बुलाया गया था। इन लोगों द्वारा मेरे मित्र के साथ ग्लोबल पे नामक वेबसाइट पर कम कीमत में ऑनलाइन रुपए को डॉलर में परिवर्तित करने का लालच देकर 8,00,000 रुपए की साइबर ठगी की गई है, जिसके संबंध में तहरीर दी गई थी। उसी तहरीर के आधार पर थाना कोतावली विभिन्न धाराओं एवं IT एक्ट अभियोग में मामला पंजीकृत किया गया था। उक्त साइबर ठगी की घटना को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा सर्विलांस टीम एवं थाना कोतावली पुलिस को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में सर्विलांस टीम एवं थाना कोतावली पुलिस द्वारा संयुक्त टीम बनाकर इलेक्ट्रॉनिक एवं मैनुअल साक्ष्यों को एकत्रित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें आज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पक्का तालाब चौराहा के पास से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सीओ सिटी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह कई विदेशी डार्क वेब हैकर्स के संपर्क में रहते हैं, जो उन्हें सभी साइटों के उपयोगकर्ताओं के नाम व पासवर्ड उपलब्ध कराते हैं। वे वास्तविक निवेशकों को 50% की दर से विदेशी मुद्रा प्रदान करने का लालच देकर रुपयों की ठगी करते हैं और जाली जमा रसीद जारी करते हैं, जो हूबहू वास्तविक लेन देन की प्राप्ति की रसीद लगती है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा 1 मार्च को दीवान इंटरनेशनल फर्म के मालिक के साथ 8,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी तथा अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि पूरा लेनदेन ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है एवं पुलिस निगरानी से बचने के लिए बिटकॉइन व डॉगकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया जाता है। यशोदा नंदन उपाध्याय द्वारा सूचना दी गई थी कि इनके साझेदार के द्वारा सौरभ सिंह, सौरभ शुक्ला और कुलजीत सिंह, इन दोनों को इटावा में बुलाया गया था और ग्लोब पे पर रुपए को डॉलर में परिवर्तित करने के लिए ज़्यादा लाभ देने का लालच के लिए इनको बुलाया गया और इनसे 8,00,000 रुपए की साइबर ठगी की गई है। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके अपर पुलिस अधीक्षक अपराध, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में टीमें बनाई गई, जिसमें सर्विलांस और कोतवाली की टीम संयुक्त रूप से कार्य किया और इसमें 5 लोग तत्काल पकड़े गए हैं और इसमें इनसे एक लैपटॉप, एक टैबलेट और मोबाइल फ़ोन 4 ये सब मिले हैं। इन्होंने इस घटना में ये भी बताया है कि ये क्रिप्टो करेंसी से अपना सारा व्यापार करते थे, जिससे इनको पुलिस ट्रैक ना कर पाए और इसके साथ ही इन्होंने ये बताया कि डार्क वेब हैकर, जिनका कोई पता नहीं चलता, इस तरह के हैकर से इनके संपर्क हैं, जिससे इनकी आइडेंटिटी छुपी रहती है और इस तरह से एक बड़े साइबर ठग गैंग का खुलासा हुआ है। और इससे प्रसन्न होकर श्रीमान IG महोदय ने 50,000 रुपये इस टीम को देने की घोषणा की। इन्होंने और सर और कुछ बताया, कितनी ढंगी में तक कर चुके हैं? अभी इस संबंध में और जांच की जा रही है इनसे, और भी इनकी जो भी रिकवरी है वो सब कराई जा रही है और तत्काल हम और भी जल्द ही इसमें और भी घटनाओं को देखेंगे। सर, पकड़े गए लोग इटावा जिले के ही हैं या अन्य जिले के भी हैं? इसमें 5 लोग पकड़े गए हैं और इसमें एक इटावा का है, दीपक शर्मा, और बाकी एक राजकुमार दिवाकर है, वो भी इटावा का है। बाकी कुलजीत सिंह फतेहपुर के, सौरभ शुक्ला कानपुर नगर और चरण सिंह आगरा के रहने वाले हैं। के पास से एक लैपटॉप डेल कंपनी का, एक टैबलेट MI कंपनी का, 4 मोबाइल फोन वीवो कंपनी के, 4 चेकबुक, एक पासपोर्ट बरामद किया गया। मामले का खुलासा करने वाली टीम को IG कानपुर मोहित अग्रवाल द्वारा 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नीलकमल की रिपोर्ट।